नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी का प्रहार, लक्ष्य से डिगाने की कोशिश में जुटा है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि रोज नए विवाद खड़े करके गरीब, दलित और जरूरतमंदों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मोदी ने वाराणसी में कहा कि मुझे अपने मकसद से डिगाने और विवादों में घसीटने के हर रोज सैकड़ों प्रयास होते हैं। डेरे के मैदान में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरित करने के बाद मोदी ने कहा कि मुझे गरीबों की दुर्दशा से तकलीफ होती है। नयनतारा सहगल ने फिर स्वीकारा साहित्य अकादमी सम्मान। असहिष्णुता के मुद्दे पर साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने वाली नयनतारा सहगल ने अपना अवार्ड फिर स्वीकार कर लिया है। पंडित नेहरू की भांजी नयनतारा अवार्ड लौटाने वाले पहले साहित्यकारों में से एक थी। सहगल ने कहा कि अकादमी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी है, इसमें कहा गया है कि लौटाए हुए सम्मान वापस लेना हमारी नीति के खिलाफ है, इसलिए हम यह सम्मान आपको वापस भेज रहे हैं। अब फिल्म निर्देशक करण जौहर बोले, भारत में अपनी बात कहना मुश्किल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में निर्माता निर्देशक करण जौहर ने कहा कि भारत में अपनी बात बेबाक होकर कहना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मजाक है और लोकतंत्र दूसरा सबसे बड़ा मजाक। अपने जीवन पर आधारित लेखिका पूनम सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक एन अनसुटेबल बॉय पर चर्चा करने के दौरान करण जौहर ने अपना दर्द बयान किया। करण ने कहा कि हमारे देश में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। इंटॉलरेंस के मुद्दे को एक बार फिर उठाते हुए करण ने कहा कि आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कुछ बोल नहीं सकते, निजी बातचीत पर भी आपको जेल हो सकती है। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, गणतंत्र दिवस पर आईएसआईएस कर सकता है भारत में हमला। गणतंत्र दिवस से पहले आईबी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में पेरिस और जकार्ता में हुए आतंकवादी हमलों की तर्ज पर हमले कर सकता है। सूत्रों की माने तो आईबी का कहना है कि आईएसआईएस 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद को निशाना बना सकता है। मिस्र में पिरामिडों के पास धमाका, 9 लोगों की मौत, 20 घायल। मिस्र में गीजा के प्राचीन पिरामिडों के निकट एक शक्तिशाली बम विस्फोट में 4 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस के एक दल ने गीजा के काहिरा उपनगर में पिरामिडों की ओर जाने वाली एक सड़क के निकट आतंकवादियों के एक ठिकाने पर छापेमारी की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.vivdunia.com। नमस्कार।